नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया आपको पता होगा, वहां के जो किंग सलमान हैं उनका विजन 2030 चल रहा है, आपको सबको पता ही है। और इतने हर बार कुछ न कुछ नए नियम निकल के आ रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई देखिए, गल्फ कंट्रीज में सबका बेताज बादशाह है सऊदी अरबिया, नो डाउट। पैसों के मामले में हर चीज में एक्सपर्ट है, ठीक है। वहां पे थोड़ा एक मुस्लिम समाज का सबसे मतलब मेन जगह उसको मानी जाती है, इसलिए वहां पे नियम इस्लामिकता के हिसाब से बने हुए थे जो कठोर थे। लेकिन उनको भी ये महसूस होने लग गया कि ये नियम इतने जो कठोर बना रखे हैं ना, ये काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि देश पिछड़ता जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नियम कठोर होते हैं वहां पे, हर आदमी जाने से डरता है। जाने का मतलब क्या होता है, जो कंपनी से रिलेटेड या फिर जो अच्छे हाई प्रोफाइल जॉब वाले या फिर इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो, क्योंकि नियम कड़े होते हैं तो हर आदमी उनका पालन नहीं कर पाता, दिक्कत होती है। और सऊदी ने देखो, दुबई ने देखो किस तरह से ढील देते हैं। देखो आज नंबर 1 पे चल रहा है वर्ल्ड में, अगर बात करें टॉप 10 कंट्रीज में तो दुबई का नाम आता है, आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख सकते हैं। तो वहां के सऊदी के जो आपको पता है राजा, जो राजकुमार है, प्रिंसेस, वो अक्सर दिमाग का है, उसका भी टारगेट है इसमें सऊदी अरबिया को दुबई से भी अच्छे परफॉर्मेंस में डालने का। जी हाँ, और उसका यही विजन है। इसी को देखते हुए बता दूं, दुबई ने आपको पता है 2020 में विदेशी लोगों को नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा था, 2021 से लागू हो गया, आप सबको पता ही है। जी हाँ, सिलेक्टेड लोगों को मैंने वीडियो बनाया था, आप सबको पता ही है। सऊदी ने भी ये देखा देखी मान सकते हैं, या फिर 2030 का विजन भी मान सकते हैं कि भाई सऊदी ने भी विदेशी लोगों को नागरिकता देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, और ये ऐलान अभी फरवरी में हुआ है, अभी ये कब से स्टार्ट हो जाएगा वो तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा। हालांकि ये घोषणा 2016 में सऊदी के जो किंग है, मैं बता दूं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने घोषणा की थी 2016 में। जी हाँ, लेकिन अभी असली अमली जामा अभी 2021 में इसको मिला है कानूनी मान्यता के तौर पे। तो सर आपको पता है सलमान जो वहां के किंग है, उन्होंने घोषणा कर दी कि कुछ लोगों को हम नागरिकता देंगे जो लोग हमारे देश के में आके हमारा भला कर सकें, ये समझ सकते हैं हमारे देश के विकास में वो अग्रणी भूमिका निभा सकें। वो लोग कौन हो सकते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सपर्ट यानी बम बनाने वाले साइंटिस्ट एक समझ सकते हैं वो हो सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, जो वैज्ञानिक कोई चीज में आविष्कारक समझ सकते हैं आपको, साइंटिस्ट स्पोर्ट्स में, कला जगत में, तेल इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं। इस तरह के कुछ जो डिग्री हैं उन्होंने बांटी है कि भाई ये लोग अगर चाहें तो किसी भी देश के आके सऊदी में हमारे पास नागरिकता ले सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, बेशर्ते उनको वहां पे वो काम करने होंगे जिससे हमारे देश का विकास होगा। जी हाँ, कारण सिंपल सा है भाई, इन लोगों को मान्यता देने का सऊदी का फंडा एक ही है। सऊदी की अर्थव्यवस्था आपको पता है तेल पे टिकी है, और वो बोलते हैं ना, आपने कहावत तो सुनी होगी, अरे भाई किस बात का घमंड कर रहे है, बाप के और बाप की पैसे पे तू जी रहा है, बाप की गाड़ी कमाई को तू उड़ा रहा है। आपने सुना होगा ना, पैसे वालों की बिगड़ी हुई औलाद, ऐसा आप सुनना होगा। नॉर्मली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सेम सऊदी के साथ ऐसा ही है भाई। सऊदी में तेल है, तेल निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उसमें उनकी मेहनत कहाँ है, आप सोचने की बात है, उनकी कोई मेहनत नहीं है। सऊदी ये ठप्पा हटाना चाहता है, सीधी सीधी बात है, सऊदी का ठप्पा ये हटाना चाहता है कि हम तेल पे नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे दुबई की बात करें, दुबई में तेल कहाँ है, फिर भी देखो दुबई आ नंबर वर्ल्ड में नंबर 1 आ रहा है। इसका रीजन क्या, अलग अलग सोर्सेज उसने स्टार्ट कर दिए इनकम के, ठीक है। वही सऊदी का सेम प्रोसेस है कि वो तेल पे डिपेंड नहीं रह के अलग अलग इन लोगों को मान्यता देने का टारगेट है। ये लोग वहां पे जाएंगे तो इनके माध्यम से देश में कुछ अलग होगा, विकास होगा, तो कुछ अलग टूरिज्म वगैरह बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, विदेशी कंपनी आएगी, रोजगार खुलेगी वगैरह वगैरह, वो अलग आगे की सोच है। थोड़े दिन पहले एक न्यूज भी आई थी कि अभी एक वहां पे ऐसा गांव बसेगा जिसमें नई ट्रेन होगी, नई बस होगी, फिर भी बंदा इस जगह से उस जगह 20 मिनट में पहुंच जाएगा। वो उनका सीक्रेट मिशन है, वो बनने के बाद पता लगेगा कि ये देखो ये बना। इन उन जैसे चीजों को देखने के लिए फिर लोग जाएंगे, आपको पता है। इस तरह से उनका टारगेट है दुबई से भी एक सुंदर सऊदी को बनाना, टूरिज्म हब में मान लो, जो हर चीज में जो लोग चाहते हैं कि भाई हमें ये चीज मिले, नियमों में सरलता करना। आपको पता है सऊदी ने वहां की महिलाओं को भी सेनाओं में छूट दे दी है नौकरी करने के लिए, छोटो मुस्लिम जैसी कट्टर देश, वर्ल्ड में कट्टर कंट्री है कानून के मामले में, सऊदी मुस्लिम कंट्री है, फिर भी महिलाओं को
सेना में जाने की छूट मिल चुकी है। जी हाँ, अभी लेटेस्ट 22 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये छूट ही है ना, ये एक बदलाव की प्रक्रिया है, समझ में आ रही है बात। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। भाई सऊदी सरकार ने भी गोल ऐलान कर दिया है, वो विदेशी नागरिकों को मान्यता देगी। अब किन लोगों को देगी कि भाई एक तो हो सकता है मुस्लिम, सिर्फ नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता या मुस्लिम आ सकता है, ऐसे की कोई घोषणा हुई नहीं है। जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।